हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ चेतन ठाकुर। टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। तो अब यह 1 या 2 लेक्चर में हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लेक्चर के बाद एक और लेक्चर देखेंगे हम, तो करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन समझते हैं, आफ्टर डेफिनेशन ये क्या है वो समझते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो हमने दो टॉपिक देखे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, तो उसमें आपको एक साइड पे यहाँ पे बातें लिखता हूँ, वो आपको रिमेम्बर रखनी है। फर्स्ट जो बात है वो हम पीरियड्स की करते हैं और दूसरी जो बात करते हैं वो ग्रुप्स की करते हैं। तो पीरियड में देखोगे तो टोटल 3 टॉपिक देखने हैं। ये 3 लाइंस आपको रिमेंबर रखनी है पीरियड्स के लिए। जब भी आप आंसर लिखते हो तो ये आपको JEE नीट या ऐसे कुछ MCQ कॉम्पिटेटिव एग्जाम काफ़ी सारे में इंपॉर्टेंट होंगे। पीरियड्स में जो है वो नंबर ऑफ सेल कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ से तो सेम रहेंगे सभी में। बट ग्रुप्स में कैसे रहेंगे, नंबर ऑफ सेल डिफरेंट रहेंगे, चेंज होंगे ना, आप ऊपर से नीचे आओगे टॉप टू बॉटम तो ये चेंज होंगे। उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, सिर्फ लिखा है मैंने ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा रहेगा, पीरियड्स में इंक्रीज रहेगा। अगर ये इंक्रीज रहता है तो एक बात आपको समझनी है, शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो क्या हो जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट स्टॉप हो जाएगी, वो वर्क नहीं करेगी। उससे ऑपोजिट यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाते हो तो वो कैसा हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है, तो इसलिए उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे वर्क करेगी, शील्डिंग इफेक्ट उस पर वर्क करके। तो 3 पॉइंट आपको रिमेंबर रखनी है। अब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी यानी कि एबिलिटी ऑफ एटम इन अ केमिकल फॉर्म कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पे वर्ड्स को नोटिस करना है, टू इटसेल्फ, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखनी है। एबिलिटी ऑफ एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन अट्रैक्ट टू इटसेल्फ, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो एलिमेंट है, एटम है, उसकी एबिलिटी है केमिकल कंपाउंड में से ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, अपनी ओर इटसेल्फ अपनी ओर खींचना, तो ये जो एबिलिटी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी बोलते हैं। एक अंडरस्टैंड के साथ समझते हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, 1s2, 2s2, 2p कितने होंगे, 7 होंगे। तो उसकी जो p ऑर्बिट है 1s2, 2s2, 2p, टोटल 2p में कितने होते हैं, 1s2 में 2 आ गए, 2s2 में 2 आ गए, टोटल 4 हो गए, तो कितने रहेंगे उसके पास, 5 रहेंगे 2p में। और फर्स्ट ऑर्बिट से यानी कि 1, अब फ्लोरीन है तो उसका 9 है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2n7 लिख सकते हैं। तो उसकी लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके 2s एंड 2p को मिला के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखता है और ये तो उसका तो एक ही है तो वो वहाँ पे रखता है। अब ये फ्लोरीन दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो इस तरह से उसके पास कितने हो गए यहाँ पे, 8 हो गए, और हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 हो गए। अब ये F और C ये बॉन्ड हो गया उसके बीच में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ये जो दोनों पार्ट था वो दोनों पार्ट कैसा था, दोनों के पास इक्वल था। बट फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एबिलिटी है, उसकी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के पास, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपनी ओर दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच देगा, यानी कि वो मिडल में नहीं रहेंगे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का दोनों का हिस्सा इक्वल नहीं रहेगा,
दोनों का जो शेयर है उसमें वो इक्वल नहीं रहेगा, फ्लोरीन की ओर ज़्यादा रहेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये खींच लेगा, तो ये अपनी ओर ज़्यादा पोर्शन कवर करेगा, हाइड्रोजन का हिस्सा कम रहेगा। जैसे कि दोनों का 50-50 था, तो दोनों का यहाँ पे ये दोनों का 100-100 था, समझ लो 100-100 था, उसके उसमें 20 खींच लिया तो उसका कितना हो गया, 120 हो गया, और उसका 80 हो गया। तो इस तरह से, यानी कि अगर समझाने के लिए, तो उसके क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। पार्शियली क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो है वो आप उसकी जो एनर्जी है वो मेजरेबल नहीं कर सकते, कि कितना उसकी जो फोर्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो आप मेजर नहीं कर सकते। पार्शियली क्यों, क्योंकि वो शेयरिंग दोनों के पास शेयर किया ही है, अब दोनों के ही इलेक्ट्रॉन है, बट पार्शियली यानी कि फ्लोरीन का जो हिस्सा है उसमें ज़्यादा है, वो उसका अट्रैक्शन ज़्यादा है उसकी ओर, इसलिए उसका पार्शियली चार्ज लिया है, उसका अट्रैक्शन कम है, उसके पास हिस्सा कम रहेगा, फ्लोरीन ने ले लिया है, तो उसको पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाएगा। तो ये बात हुई आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए यहाँ पे लिखा है इन अ फॉर्म कंपाउंड अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फिर से आ गया हमारा पीरियड्स ऑफ ग्रुप। पीरियड्स में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ग्रुप्स में कहाँ पे जाओगे आप, टॉप टू बॉटम जाओगे। तो आप जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वो कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम में आप देखोगे, यानी कि फ्लोरीन से लेके डाउन पार्ट में, तो कंटिन्यूसली, और यहाँ से लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। यहाँ से आप जाओगे टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन टू डाउन पार्ट में जाओगे इस तरह से, तो क्या होगी, डाउन होगी, यानी कि डिक्रीज होगी। ये एक बात आपको समझनी है। अब उसमें काफ़ी सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एटॉमिक रेडियस आती है विच टेंड्स टू डिक्रीज अक्रॉस दिस पीरियड, क्योंकि एटॉमिक रेडियस का हमने देखा है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इस तरह से जाओगे पीरियड्स में तो डिक्रीज होगी, और आप टॉप टू बॉटम में जाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगी एटॉमिक रेडियस। तो इस तरह से होगा, इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑल्सो इंक्रीज, सो एटॉमिक रेडियस, क्योंकि एटम की जो एटॉमिक रेडियस और इसका रिलेशन अपोजिट है, क्या एटॉमिक रेडियस जिस तरह से इंक्रीज होगी उस तरह से जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो डिक्रीज होगी। तो हम जानते हैं ग्रुप्स में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस आप जाओगे डाउन पार्ट में तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो ये समझने के बाद तीनों रिलेशनशिप समझ लो। फर्स्ट एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, तो एटॉमिक जो रेडियस है वो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, एटॉमिक रेडियस अगर नोट डाउन करना हो तो आप कर लो। एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट सो इज अ डिक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इज इंक्रीज, कंप्लीट। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोथ हैव इंक्रीज एंड डिक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, लाइट टू लेफ्ट इंक्रीज बोथ। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाएगी, और नीचे से ऊपर जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होगी। यहाँ से भी आप जैसे जैसे ये पार्ट में भी, गैसियस स्टेट में भी, नॉन मेटल में भी, आप जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे उस तरह से मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती रहेगी। लास्ट के जो एलिमेंट है उसकी सिमिलर काफ़ी सारे मेटल टाइप के ये प्रॉपर्टी इंक्लूड करते हैं। तो ये उसकी बात हुई। इलेक्ट्रोनेगेटिव की जो वैल्यू है उसकी जो आप वैल्यू है वो आप काउंट नहीं कर सकते, बट उसके लिए आपको डिफरेंट स्केल दिए जाते हैं। तो उसमें से हमें डिफरेंट स्केल में से स्केल आपको समझना है, पॉलिंग स्केल। उसकी जो वैल्यू है वो मेजरेबल नहीं है, अनमेजरेबल है, बट उसको स्केल में मेजर किया जाता है और उसका नेम है पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल, अब लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, बट लिथियम से लेके डाउन पार्ट में जाओगे, लिथियम से लेके आप सीजियम तक चले जाओगे तो वो काफ़ी चेंज नहीं दिखने को मिलेगा, डिक्रीज होगी बट चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे 1 है उसकी, तो यहाँ पे 0.7 पॉलिंग स्केल में उसकी वैल्यू 0.7 मिलती है। उसी तरीके से फ्लोरीन है, सो फ्लोरीन की 4 है, बट जैसे जैसे आप एंटेनियम तक जाओगे तब 2.2 होती जाएगी, यानी कि वो डिक्रीज होगी, और इस तरह से वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये एक आपको
रिमेम्बर रखना है, स्केल पे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर पीरियोडिक टेंस इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। द मोस्ट ऑफ 10 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट सच अ डायगोनल रिलेशनशिप, इनर पेयर इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये जो सारी इफेक्ट है वो हमें सीखनी है, उनमें से हम पहली इफेक्ट आज सीखते हैं, बाकी की जो एलिमेंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और वैलेंस लिख सकते हो या फिर ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हो आप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर के बारे में आप सीख के आए हो, ऑक्सीडेशन स्टेट, पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। द वैलेंस इज अ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड इन अ टर्म ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समझ सकते हो वैलेंस क्या है, वो आप 9th स्टैंडर्ड से सीख के आए हो। वैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेड एलिमेंट इज यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउट मोस्ट ऑर्बिटल्स एंड और इक्वल इन 8 माइनस द नंबर ऑफ आउट मोर ऑर्बिटल्स इन सो इन बिलो, यानी कि दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, 8 में से माइनस करके फाइंड कर सकते हो या फिर लास्ट ऑर्बिट में जो है वो कहलाए जाएंगे। तो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो समझते हैं, प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए ये देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये, यानी कि ग्रुप्स 1 ग्रुप्स 2 उसके बाद 13 14 15 16 17 और 18, ये कौन किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आता है लिथियम, उसके बाद ग्रुप्स 13 में कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएंगे, तो यहाँ पे 1 वैलेंस है, यानी कि जो उसकी लास्ट ऑर्बिटल्स है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह से 8 यानी कि वो इनर्ट गैसेस का है। उसके बाद ये वैलेंस कितनी हुई 1 2 3, यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ पे 3 और 5 लिखा है, यानी कि क्या अगर वो 5 रिलीज कर सकता है या फिर किसी से 5-3 ले सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, इसलिए 2 लिखा है, बट इजी कौन है उसमें 3 को लेना किसी से, 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर क्या हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहाँ पे 7 लूज कर सकता है या फिर 1, 8 माइनस 1 बोला है तो इसके लिए सेंटेंस लिखा है यहाँ पे 8 माइनस द नंबर ऑफ आउट मोस्ट इलेक्ट्रॉन एज सो इन बिलो, तो ये है यहाँ पे 8 माइनस करके लिखा है, 8 माइनस 5 तो 3 आएगा, 6 माइनस 5 तो 2 आएगा, 8 माइनस 7 तो 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 8 माइनस 8 तो 0 आएगा और 8 तो ही तो कम्प्लीटली फुल है, ये बात हुई उसकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की बात हुई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सो द क्लियर नेक्स्ट Nowadays, the oxidation state is frequently used to valency. Consider the two oxygen-containing compounds. Dono oxygen-containing compound ki baat karte hum. OF2 compound and Na2O. Dono oxide nature ke hai, oxide form mein hai. The order of electronegativity of this three element involved in. So, yahan pe electronegativity baat karte hai. Fluorine aata hai, uske baad oxygen aata hai, uske baad सोडियम आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हुआ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी, ऑक्सीजन की कम उससे यहाँ से ज़्यादा होगी, ये क्या हुआ उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस थ्री एलिमेंट ईच ऑफ देयर एटम फ्लोरीन विथ अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो फ्लोरीन का क्या होगा लास्ट में क्या होगा उसका 2s2 2p5 5 plus 2 7 1s2 में 2 है 1s2 में, तो ये तो कम्प्लीटली यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, ये हुआ शेयर वन इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन, शेयर वन इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन, सो एक ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन को कितने चाहिए कंबाइन फॉर्म के लिए 2 चाहिए तो 2 फ्लोरीन लाने पड़ेंगे क्योंकि एक फ्लोरीन तो एक ही ले सकता है, तो इसलिए कंबाइन फॉर्म में OF2 हुआ। सो द शेयर वन इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन इन द फॉर्म OF2 मॉलिक्यूल being the highest electronegativity element fluorine is given oxidation state 1, क्योंकि उसका oxidation state 1 F-1 है ना, since there are 2 fluorines atom in the molecules, so oxygen with other electronic configuration, so उसका electron configuration एक electron यहाँ से lose हो गया तो कितने हो गए, oxygen का last में कितना है 2s2 है, 2p4 है, 4 plus 2 6 1 last में plus 2 8, said 2 electron with fluorine atom and nearby
ऑक्सीजन स्टेट कैसा हुआ? ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे फ्लोरीन का क्या होगा, +1 हुआ, यहाँ पे +2 होगा। ऑक्सीजन स्टेट की बात करें, कुछ चार्ज की बात नहीं कर रहे। इन द Na2 ऑक्सीजन बीइंग, Na2 में क्या होगा, सेम कंडीशन होगी। Na2 जब बनता है तब क्या होगा, तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, जो वन फ्रॉम ईच सोडियम, सो टू सोडियम कंटेन टू, सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। एंड द अदर हैंड सोडियम विथ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन लास्ट ऑर्बिट में 3s1 आएगा, सो लूज वन इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन गिव ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होगा, +1 होगा। और सोडियम ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 होगा, और सोडियम का कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होगा। दस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइन द चार्ज एक्वायर्ड बाई द आयन बाई द एटम ऑफ बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन फ्रॉम अदर एटम इन अ मोलिक्यूल। क्योंकि आप दोनों एग्जाम्पल में देख रहे हो, तो यहाँ पे फ्लोरिन क्या करता है, फ्लोरिन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, फ्लोरिन आर, तो फ्लोरिन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे -1 हो गया। उस स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 हो गया। बट यहाँ से देखो चेंज हो गया, ऑक्सीजन -2 हो गया, उसने +1 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर टू नंबर चेंज होते रहे। सम पीरियोडिक स्ट्रेन ऑब्जर्व इन अ वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। हम मेंडेलिक का पीरियोडिक टेबल लिया था, उसमें दो ही प्रॉपर्टी एज्यूम की थी, हाइड्राइड और ऑक्साइड ऑफ द प्रॉपर्टी, और वही बारे में आगे हमें ट्रेंड्स करना है। द केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट डिस्कस इन, सो फर्स्ट एक दो डिस्कस करते हैं, ये हमारा ये लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद नए लेक्चर में देखेंगे हम नया टॉपिक। सो द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड, यानी कि हाइड्राइड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं वो। सो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, उसके बाद 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, और 17 का यहाँ पे ठीक है लास्ट में लिखते हैं 17 का। तो फर्स्ट का आप हाइड्राइड देखोगे तो लिथियम LiH बनाता है, NaH बनाता है, KH बनाता है, इस तरह से होगा। यहाँ पे बनाता है तो CaH2 बनाता है, यानी कि CaH2 होगा। 13 में क्या होगा, तो फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा, B2H6 Al+3, सो AlH3, इस तरह से बनेगा। 14 में कार्बन आता है तो CH4 बनाता है, कार्बन। सिलिकॉन आता है तो सिलिकॉन 4 बनाता है, उसी तरह से। 15 होगा तो NH3 होगा, उसके बाद फॉस्फोरस PH3 बनाएगा, आर्सेनिस आएगा AS3 बनाएगा, इस तरह से। यहाँ पे ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन H2O बनाता है, H2S बनाता है, और लास्ट में होगा तो HF बनाता है 17 में, HCl बनाता है, HBr बनाता है, क्योंकि -1 -1 है तो H+1 डिनोमिनेट करके कंप्लीट कर देगा। उसके पास 3 चाहिए तो 3 देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का अटैच होंगे। बोरिन बोरान का क्या होगा, Hb2H6 होगा, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। दो बोरन आए जाएंगे, 3-3 प्लस करके 6 बनाएंगे। Al के पास +3 है, Al के पास एक्स्ट्रा +3 है, तो इस तरह से वो कंप्लीट करेगा। इस तरह से ये आपको हाइड्राइड प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। उसी तरीके से आप फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, तो यही ग्रुप की बात करेंगे तो Li2O बनाता है, क्योंकि O का तो हमने देखा है अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, Li एक इलेक्ट्रॉन एक देगा, दो इलेक्ट्रॉन देंगे। उसी तरह से Na2 यहाँ हमने देखा है, यहाँ पे K का देखा तो K2O बनाएगा। उसी तरीके से Ca कैल्शियम होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ऐसा होगा। B2O3 Al2O3 2O3 आएगा, उसमें गैलियम G2O3 आएगा। फिर आप कार्बन का तो पता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है, SiO2 बनाता है। उसी तरह से जर्मेनियम है तो ये बनाएगा। N का तो हमने देखा है N2O3 आएगा, और N2O5 दोनों कैरेक्टरिस्टिक राइट है उसके लिए। फिर P4O6 बनाएगा। इसी तरीके से ये जो 16 ग्रुप में होगा, तो इस तरह से आपको एक कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, टेबल में दिया गया है आपको, कि यहाँ पे ऑक्साइड प्रॉपर्टी होगी, हाइड्राइड प्रॉपर्टी होगी, तो इस तरह से होगा। देर आर मेनी इलेक्ट्रॉन विद वेरिएबल्स वैलेंसी, तो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट।
उसकी जो स्टडी है वो लेटर में करेंगे, बट अभी के लिए 1, 2, 13, 16, 14, 15 और 17 ग्रुप्स के लिए हमने इस तरह से स्टडी की है। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से डिफाइन होता है, ये बात हुई। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार उसको रिवाइज करेंगे और नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।